प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः गीतामृतदुहे नमः श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव। गीता पढ़े और गीता पढ़ाए जगे औरों को जगाए आप जगे औरों को जगाए। गीता सुने और गीता सुनाए गीता सुने और गीता सुनाए। आप हंसे औरों को हंसा का गीत बनाए गीता को जीवन का गीत बनाए हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव नारायण 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 नारायण। श्रीमद् भगवद् गीता पर कुछ चिंतन कुछ चर्चा वार्ता और कुछ आपसी संवाद का योग संयोग आज से कुछ अलग भाव के साथ प्रारंभ हो रहा है। यद्यपि श्रीमद् भगवद् गीता वही है जो आज से 5161 वर्ष पूर्व कुरुक्षेत्र की धर्मधरा पर अर्जुन को निमित्त बना करके भगवान श्री कृष्ण ने समूची मानवता के लिए सुनाई थी गाई थी। कोई परिवर्तन नहीं हुआ कोई संशोधन भी नहीं हुआ। कोई आज तक इतना लंबा कालखंड बीत जाने पर कोई संवर्धन भी नहीं हुआ। वही 18 अध्याय महाभारत में संकलित महर्षि वेद व्यास जी के द्वारा भीष्म पर्व 25 से 42 तक के 18 अध्याय वही 18 अध्याय तब आज और वही 700 श्लोक। इसलिए भगवद्गीता वही है। हाँ इतना अवश्य है
कि ऋषियों ने, आचार्यों ने, गीता चिंतकों ने, विचारकों ने, रहस्यकारों ने, शोधकर्ताओं ने, समर्पित संकल्पित महापुरुषों ने गीता पर अपने अनुभव, अपना चिंतन, अध्ययन और अध्ययन को गहराई तक ले जा करके उसमें से निकला हुआ नवनीत अपने अपने भाव के साथ परोसा। समुद्र वही है, हीरे रत्न समुद्र में हैं। जो भी गोता लगाता है, गहन अवगाहन करता है, डुबकी लगाता है, कुछ ना कुछ मोती पा लेता है। लेकिन कोई ये तो नहीं कह सकता ना कि मैंने सारे समुद्र के हीरे जवाहरात निकाल लिए, पा लिए। अथाह गीता अनंत की वाणी है, अनंत है, अथाह है, अपार है। पूरी तरह पार पा सकना था पा सकना। जैसे परमात्मा अनंत है, अथाह है, उनका कोई पूरी तरह से अंत पा सके कहाँ संभव मानवीय बुद्धि के लिए। ऐसे ही अनंत की वाणी अनंत है, कोई था नहीं पा सका। लेकिन तो भी महापुरुषों ने अपने अपने ढंग से भगवद गीता को सहज सरल सुबोध सुग्राह्य बनाने का प्रयास किया, क्योंकि गीता सबके लिए है, सब समझ पाए गीता को। ये अवधारणा अब तो निश्चित समाप्त हो ही जानी चाहिए और इन दिनों में होगी ही, ऐसा विश्वास रखकर आप सुने कि गीता केवल साधु संन्यासियों के लिए है, गीता केवल मंदिर का श्रृंगार है, मंदिर की शोभा है। इन दिनों हम पारस्परिक चर्चा विचार आप सबको साथ लेकर करेंगे कि गीता केवल मंदिर का श्रृंगार नहीं, क्यों ना गीता हर जीवन का श्रृंगार बने, हर घर का श्रृंगार बने और धीरे धीरे समूची मानवता का श्रृंगार बने। और गीता में ये क्षमता निश्चित रूप से है, निसंदेह ये क्षमता है। हमें उस क्षमता को सामने लाना है चिंतन के द्वारा, विचार के द्वारा। और इसीलिए ये बात कि ये भ्रांति दूर होनी चाहिए कि गीता केवल साधु संन्यासियों के लिए है, गीता केवल वरिष्ठ नागरिकों के लिए है, या जब वृद्ध हो जाएंगे, सब सेवाओं से निवृत्त हो जाएंगे तब गीता पढ़ लेंगे। हाँ, तब पढ़नी ही चाहिए, लेकिन आज से ही पढ़ें, आज से ही समझें। ये भाव अब इसके लिए प्रारंभ किया जा रहा है, क्योंकि गीता एक विचार है, गीता एक व्यवहार है, गीता एक सबल आधार है, गीता सच मानो कि हर रोग का उपचार है। और यदि ये कहें कि गीता हम सबके लिए, पूरी मानवता के लिए परमपिता परमात्मा का उपहार है, उपकार है, तो अनुचित ना होगा। गीता ज्ञान है, गीता विज्ञान है, गीता जीवन उत्थान है, गीता नव निर्माण है, गीता परंपराओं का सम्मान है और गीता हर समस्या का समाधान है, समूची मानवता की मुस्कान है गीता। और इसीलिए हम गीता को इसी रूप में लेकर आगे बढ़ेंगे कि आज बच्चों के लिए गीता एक सुसंस्कार है, युवाओं के लिए रचनात्मक और सकारात्मक ऊर्जा का संचार है, गीता हर घर, हर गृहस्थ, हर परिवार के लिए शांति, सद्भाव और प्यार है, गीता मानवता का श्रृंगार है। अब उसी भाव के साथ आगे बढ़ते हैं। सुने, ध्यान से सुने, एक बात पहले से हम मन में बिठा लें कि ये मत सोचें कि हम कहीं LED के समक्ष बैठकर, TV के समक्ष बैठकर या मोबाइल के सामने रखकर सुन रहे हैं। ऐसा नहीं, हम गीता सुन रहे हैं, बिल्कुल प्रत्यक्ष सुन रहे हैं।
भगवान की वाणी है ना, किसी ऐरा गैरा की नहीं। इस वाणी का शब्द वस्तुतः मूलतः भगवान की दिव्य वाणी का शब्द है। हाँ, ये उनकी कृपा है कि उनकी वाणी इस वाणी पर आ रही है, और इसीलिए ये आग्रह कि ध्यान से सुने। आपको लगेगा कि गीता मेरे जीवन का सरस गीत बन सकती है, आपको लगेगा गीता मेरे जीवन में शांति और स्वाभाविक सहज विश्रांति लाने में सक्षम है, और आप विश्वास करें ऐसा होगा, ऐसा हो सकता है। लेकिन तभी जब हम अर्जुन जैसा वह विश्वास साथ साथ बना लें जो अर्जुन ने भगवान गोविंद से कहा कि हे नाथ, मैंने आपकी वाणी को ध्यान से सुना है, उसके महत्व को भी समझा है, भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतौ विस्तृशः मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष महात्म्यमपि चाव्ययम्। 11वें अध्याय में दूसरे मंत्र में अर्जुन ने स्वीकारा कि मैंने आपकी वाणी को, आपके द्वारा कहे गए संदेश को मैंने अच्छे से सुना है, और साथ ही आगे कहा कि मेरा विश्वास भी है गोविंद एवमेतद् यथात् त्वमात्मानं परमेश्वर, जो आपने कहा है वो मेरे भले के लिए है, वो मेरे हित के लिए है, वो मेरे कल्याण के लिए है। और इसीलिए तो भगवान ने ये कहा भी, शृणु मे परमं वचः यत्यहं प्रियमाणाय। हे प्रिय अर्जुन, मैं तेरे हित की इच्छा से ही तेरे से ये वचन कह रहा हूं। वक्ष्यामि हित काम्यया, तेरे हित की कामना से कह रहा हूं, मुझे कुछ नहीं। और एक बात और कहें, करुणा वर्णाल्य की करुणा है गीता। सच में जैसे महात्मा गांधी जी ने, संत विनोबा भावे जी ने कहा कि गीता के रूप में एक वात्सल्य प्रकट हुआ है, वात्सल्य में माँ है गीता, जैसे माँ का वात्सल्य कहीं बच्चे के लिए प्रकट होता है, गीता माता का वात्सल्य ही गीता ज्ञान के रूप में हम सबके लिए प्रकट हुआ है। और हमें साथ साथ लगता है कि स्वयं करुणा वरुणाल्य परमात्मा, करुणा सिद्धु परमात्मा की करुणा इस रूप में प्रकट हुई है। उस समय अर्जुन दुखी था, अशांत था, मोहग्रस्त था, धीरे धीरे विषादग्रस्त था। तो अर्जुन के लिए, अर्जुन की वह मनोदशा देख करके उस समय भगवान के भीतर की करुणा गीता उपदेश के रूप में फूट पड़ी, प्रकट होने लग गई। और ये करुणा केवल उस अर्जुन के दुख बांटने के लिए नहीं, अर्जुन के शोक मोह भय और विषाद को समाप्त करने के लिए नहीं, भगवान की यह करुणा मानव मात्र के लिए है, हम सब के लिए है, जन जन के लिए है, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पक्षपात के, सबके लिए भगवान की यह करुणा भगवती गीता के रूप में, गीता उपदेश के रूप में प्रकट हुई है। इसलिए आओ हम अपने पात्र को खुला रख करके, अपने भीतर के पात्र को खुला रख करके श्रवण करें, और श्रवण के साथ साथ ये विश्वास भी रखें कि भगवान की करुणा मेरे लिए है। हनुमान जी की वाणी पर विभीषण ने विश्वास कर लिया। हनुमान जी ने कहा, सुनहु विभीषण प्रभु की रीति, कर ही सदा सेवक पर प्रीति। विभीषण ने विश्वास कर लिया, और जब लंका से निकाला गया विभीषण को, उस विश्वास को साथ लेकर निकला, और तब विभीषण ने दूर से प्रभु राम को देखकर कहा कि श्रवण सुयश सुनि आय हूँ, प्रभु भंजन भव भीर त्राहि त्राहि आदित्य हरण।
शरण सुखद रघुवीर, श्रवण सुयश, मैं आपके संत के द्वारा आपकी कृपा करुणा का श्रवण करके आया हूँ, उस पर विश्वास लेकर आया हूँ, भगवान की इस प्रस्फुटित करुणा पर आओ विश्वास करें। ये हमारे दुख दर्द हर सकती है, हमारी अशांति दूर कर सकती है, हमारी चिंताओं का हरण कर सकती है, हमें भाव भय से तरण करवा सकती है। गीता भगवती, इस विश्वास के साथ गीता को श्रवण करें। और इसीलिए प्रारंभ में यही बात जो भगवान कृष्ण ने कही कि श्रवण से कल्याण संभव है, गीता में ये आया है कि श्रवण मात्र से कल्याण संभव है, लेकिन कैसे? 13वां अध्याय 24वां श्लोक 25वां श्लोक उसमें संकेत है, श्रुति प्रायणः श्रुत्वान्येभ्य उपासते, श्रवण उपासना बन जाए। श्रुति के प्रायण अर्थात श्रवण में पूरा ध्यान लग जाए। भगवान राम ने प्रारंभ में नवदा भक्ति के जैसे शबरी से कहा कि नवदा भक्ति कहूं तो हिपाही, सावधान सुने धरु मन माही, सावधान होकर सुनो ए भामिनी और इसे मन में धारण करो। श्रवण की बात भगवान कृष्ण ने गीता के उपदेश के अंत में अर्जुन से कही, क्या तूने ध्यान से सुना पार्थ, तो ये काग्रण चेतसा कच्चित श्रोतम पार्थ, तो ये काग्रण चेतसा, क्या एकाग्र भाव से सुना पार्थ। उसी क्षण अर्जुन ने कहा, हाँ कृष्ण, मैंने सावधान होकर सुना, श्रवण को पूरी एकाग्रता से मैंने लिया और इसीलिए अज्ञानता जनित मोह मेरा समाप्त हो गया, गीता उपदेश का प्रभाव भी पड़ा। तो आओ इन दिनों में हम कुछ अलग अलग सूत्रों पर विचार करेंगे और आपको लगेगा कि गीता का एक एक सूत्र मेरे जीवन के कितना निकट है, आपको लगेगा कि गीता का एक एक सूत्र मेरे जीवन का साथी है, मेरा एक मजबूत सहारा है, मेरी लड़खड़ाती जीवन नैया का किनारा है। गीता का एक एक सूत्र आपको निश्चित रूप से लगेगा। और इन दिनों हम कुछ ऐसे ही सूत्रों पर विचार करने जा रहे हैं, बिल्कुल सहज भाव के, बिल्कुल सुगमता से आप समझ पाएंगे और सबको लगेगा कि गीता जटिल ग्रंथ नहीं, भगवद गीता तो जटिलताओं को समाप्त करने का ग्रंथ है। गीता कोई ड्राई सब्जेक्ट नहीं, शुष्क विषय नहीं, गीता तो जीवन की शुष्कता को दूर करके जीवन में स्वाभाविक सरसता लाने का ग्रंथ है। अर्जुन ने सुना, निश्चित रूप से अर्जुन आह्लादित हो उठा, आनंदित हो उठा। विचलित विक्षिप्त अस्थिर अर्जुन स्थितोऽस्मि कह उठा कि मैं बिल्कुल स्थिर हूँ कृष्ण, मैं प्रसन्न चित्त हूँ कृष्ण। तो हम सबको भी विश्वास करना है कि अर्जुन प्रसन्न चित्त हुआ, अर्जुन आह्लादित हुआ, आनंदित हुआ, हम भी हो सकते हैं, हम भी होंगे, लेकिन दृढ़ता के साथ सुनते रहें। आइए बढ़ते रहेंगे आगे, हम एक एक भाव के साथ गीता के सरलता से सहजता से आप सुनेंगे, आपको भी लगेगा अर्जुन की वह मनोदशा अब मेरे जीवन का एक मजबूत अवलंब, मजबूत आधार, मजबूत प्रेरणा बन चुकी है। भगवान ऐसी ही कृपा हम सब पर करें कि उनकी ये प्रकट करुणा हम सब पर बरसे और हम सब का जीवन गीता का सरस आनंदमय गीत बन पाए। जय श्री कृष्ण, जय भगवद गीता।